अर्ली मॉर्निंग की अगर राइड करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, टायर ट्रैक्शन। सो फर्स्ट आई वुड से 20 और 15 किलोमीटर्स, जस्ट डू नॉट जस्ट रिप योर बाइक और एक्सेलरेट टू मच, कीप इट अंडर 60-70, सो लेट योर टायर्स गेट ट्रैक्शन फर्स्ट। ओके, जनरली हम एक्सेलरेट बहुत तेज करते हैं, मतलब वी आर गोइंग एट हाई स्पीड्स, क्योंकि हाईवे अभी खाली होता है। बट द थिंग इज के इंडिया में या किसी भी और कंट्री में जो ऑक्यूपेशन है वो सुबह जल्दी भी शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि लोग अपने अपने, कोई दूध बेचने जा रहा है या कोई न्यूज़पेपर डिलीवरी के लिए जा रहा है, तो वो स्लो बाइक्स जो कंट्री साइड के लोग होते हैं वो भी हाईवेज को अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना होगा। सो बाकी आई थिंक इफ़ यू कीप द स्पीड्स राइट देन आई थिंक इट्स फाइन। एक चीज़ और बोलूँगा, जो सर्पेंटाइल हाईवेज हैं, जो कर्व्स हैं, और कर्व्स में कई बार ये आता है डिवाइडर में एक यू टर्न लेने के लिए कट, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज समटाइम पीपल टेक अ यू नो यू टर्न विदाउट लुकिंग बैक, राइट। तो ये एक चीज़ सुबह सुबह क्या ये हर टाइम ही देखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर कि आप इसका ध्यान रखें। और आई थिंक बहुत बड़ा ट्रक है, मतलब बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा बोलते ना, बहुत बड़ा ट्रक है। कर्वी है अर्बन बेल्ट, बट यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको कि जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है वो कभी कभी अपना लेन छोड़ के आपकी साइड आ जाता है। सो ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज बम्पी रोड, at times rash overtaking and unruly traffic. स्ट्रेच है अभी तक वो खाली ही है, बिकॉज ये मैंने अर्ली मॉर्निंग अपना राइड शुरू कर लिया था। बाय द टाइम आई थिंक आई विल रीच रेणुका जी लेक एंड रेणुका जी टेम्पल, इट विल बी द टाइम वेयर टूरिस्ट स्टार्ट देयर जर्नी। सो ये एडवांटेज तो रहता ही है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये रेणुका जी माता का मंदिर है, और उधर वो जो है वो परशुराम जी का मंदिर है, इधर शिव जी मंदिर है, और उधर रेणुका जी मंदिर तो हम हो आए हैं। तो अब साथ में ही रेणुका जी लेक है, विल विजिट दैट। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि बंद है वो टेंपल,
तो अभी जाके उसको हाथ से उनका दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और मत्था टेकना होगा, क्योंकि शायद बंदर चले जाते हैं इसलिए इन्होंने उसको बंद रखा है। दर्शन हो गए हैं अभी मंदिर में और अच्छा काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको क्लीन रखते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो अभी तक इन्होंने बोला था मास्क इज़ मैंडेटरी, तो मास्क पहनना तो आई थिंक नॉर्म ही बन गया, इट इज़ अ न्यू नॉर्म। और अब एक छोटा सा पॉन्ड है उसको वीडियो कैप्चर करते हैं, उसके बाद जाते हैं मेन रेणुका जी झील पे। और अभी लंच करने का भी प्लान बन रहा है बिकॉज़ मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है अभी, तो दैट इज़ इट। सो मंदिर का कॉम्प्लेक्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो थोड़ी देर, एंड देन आगे अपना झील की तरफ जा सकते हो। तो भी यही करेंगे, अभी शूज़ पहनते हैं फिर लेट्स गो टुवर्ड्स द झील। तो ये है रेणुका जी लेक है भैया, और यहाँ पे आपको जूते उतारने पड़ेंगे अपना बोटिंग से पहले, क्योंकि ये होली रिवर है। क्यों भैया? राइट, धार्मिक झील है सर, धार्मिक झील है। कितने बजे से कितने बजे बोटिंग होती है? सुबह 7-8 बजे से शुरू कर देते हैं, 5:30-6 बजे तक लास्ट हो जाता है। अच्छा, सुबह शाम को 5:30 बजे तक खत्म हो जाता है। अच्छा, कोई चीज का ध्यान रखना हो यहाँ पर? बस ऐसे तो ज्यादा कोई डेंजरस नहीं है, आप अगर पॉइंट बनाए वहाँ तक जा सकते हैं, हाँ। आराम से घूम फिर सकते हैं आप। मगरमच्छ वगैरह तो नहीं है? नहीं, अभी अंदर टॉर्टल्स दिख रहे हैं। अच्छा, टॉर्टल्स दिखते हैं अंदर, चलो ठीक है, देखते हैं अगर हमें कोई टॉर्टल्स दिख गया तो। ठीक है भैया, चलो ठीक है, गियर के ऊपर। भैया ने अभी हमारे को बांध दिया गियर, ये रहा, ये है 300 रुपये का टिकट है, उसमें वी कैन कवर लाइक 30 मिनट्स एंड वी आर गोइंग टू गेट वन बोट नाउ। तो अभी देखते हैं कौन सा बोट मिलेगा हमें, शायद वो ब्लू वाला बोट देंगे वो हमें। वो फिशेस दिख रही हैं, ओके, तो वी गॉट फिशेस हियर, अभी चलेंगे। ये 300 रुपये का राइड है, बोट राइड, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 मिनट के लिए होता है, मतलब 10 रुपये पर मिनट। और वो फिशेस दिख रही हैं, बहुत बढ़िया फिशेस हैं, वो रही फिश हो जा रही है। तो फिश यूजुअली दूर ही रहेगी आई थिंक बोट से। और यहाँ टॉर्टोइज होते हैं जो कि इन्होंने मुझे बताया है, टॉर्टोइज ध्यान रखना, अगर टॉर्टोइज देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। सेंटर ऑफ दी झील जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। पैडल बोट का एक अपना ही फन होता है, आई लव यू एंड अप एंजॉइंग अ लॉट, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर चारों तरफ देखोगे बहुत सीनिक ब्यूटी है, एंड देन यू कैन सी एक्सप्लोर टॉर्टोइज ऑल्सो, दैट्स हाउ द फन इज। एंड दीज आर थिंग्स विच आई थिंक एक ट्रिप के साथ आपको एंजॉय करने को मिलती है, अगर ग्रुप हो तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज यू कैन शेयर द कॉस्ट ऑफ बोट, सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड वहाँ पे कहीं इन्होंने फ्लैग लगा रखा है, दैट इज़ द मार्किंग पॉइंट एंड यू हैव टू स्टे देयर जस्ट फॉर द सेफ्टी सेक। बोटिंग चल रही है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लॉट जिस पे हम बोटिंग कर रहे हैं, इसके बाद आई थिंक क्लोजिंग टाइम क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 पे हमने शुरू किया था, 5:30 इज़ द लास्ट स्लॉट जिस पे बोटिंग होती है, ठीक है। बट व्यू बहुत ही बढ़िया है, इफ़ यू सी द व्यू अराउंड इट्स ऑसम, मज़ा आ जाएगा आपको।
या अभी 5 बजने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, और मुझे ये जो हिल सेक्शन है ये कवर करना है सनलाइट में ही, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। तो अभी ये खाने की जगह मिली है, दिस इज़ ठाकुर भोजनालय, और दिस इज़ ऑन माय वे बैक फ्रॉम रेणुकाजी लेक। ओके, तो जल्दी जल्दी हो सके खाना खाऊंगा, बिकॉज आई एम रनिंग लो ऑन कैश। तो मैंने पहले इनसे पूछ लिया, मैंने कहा कहीं आपके पास गूगल पे या कुछ चीज़ है तो मैं पेमेंट कैसे करूँगा आपको। तो आई थिंक दैट्स अ ब्लंडर ऑन माई साइड कि आई डिड नॉट कैरी मच ऑफ कैश, दैट्स द थिंग राइट नाउ। एंड वेदर तो ठीक ही लग रहा है, वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आई थिंक आई विल कीप द जर्नी।